नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बताना चाहेंगे, जांबू लोचन हॉल के बिल्कुल सामने अपोजिट बैठे हैं। हम बताना चाहेंगे, ये छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची है, ये यहाँ पर मिली है। अब हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर उनके माध्यम से यहाँ आए कि ये बच्ची कहीं सड़क पर मिली है, किसी हादसे का भी शिकार हो सकती है, या कहीं माता पिता साथ आए, या कोई बड़ा आया होगा, कोई ना कुछ होगा जिसकी वजह से ये मिसिंग होगी यहाँ पे, यानी मिसप्लेस होगी, आगे पीछे होगी है। चलिए इनके साथ जो जिन्होंने हमें कॉल किया, बताया आपका नाम? मेरा नाम राशिद। राशिद, ये कहाँ से मिली बच्ची ये? एक्चुअली यहाँ पे रोड पे मेरे पापा जी ने पकड़ी ये। हमने इससे पूछा जब, तो ये कह रही है कि ये दादी के साथ अपने यहाँ आई थी ज़ियारत पे, जांबुलोचन के साथ, यहाँ रोशन शाट की ज़ियारत है, वहाँ पे आई थी। तो वहाँ से ये कहीं पैदल चलते हुए यहाँ आ गई है। अब इसको उठा के मैं पार्क भी गया था, ज़ियारत पे भी गया था, मैंने अंदर मोहल्ले में भी चक्कर लगाए, लेकिन वो दादी जी इनसे कहीं नजर नहीं आए। आपने ज़ियारत की ज़ियारत में गए? आपने जी पूछा जी लोगों से वहाँ पर लोग हैं ही नहीं, तो पूछूंगा किससे? पार्क में कुछ लोग थे, वो सारे जेंट्स हैं, तो मैं किसको, जितने लोगों को पूछूंगा ये होती हाइपर हो जाएगा बच्चा, फिर फायदा क्या? इससे पूछा बच्चे से क्या? इससे पूछा, इसकी जुबान भी कुछ कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है। ये कभी बोलती है मेरा घर यहाँ पे है, कभी बोलती है मेरा घर वहाँ पे। खाली इसने एक चीज बताई मुझे, ज़ियारत। वहाँ पे मैं इसको ज़ियारत वाले रास्ते से अंदर ले गया, तो दूसरे ही रास्ते से इसने बोल दिया कि इस तरफ से, यहाँ से हम आए थे, तो वो रास्ता बाहर रोड पे निकल रहा है, ये उसी रास्ते से बाहर निकल आई है जिस रास्ते से आए थे जी। अब वो बुजुर्ग, पता नहीं, मैं उन्होंने कितना टाइम हो गया, लगभग एक घंटा हो गया जी, आधा एक घंटा हो गया। अगर कोई, अगर किसी के साथ आई होती है, जो मतलब आपके थ्रू जो भी देख रहा है, किसी को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, किसी को कुछ भी लगाना है, मेरा नाम राशिद है और नंबर 700665597 है। उस्ताद मोहल्ले में लेडीज पॉइंट बुटीक है, वहाँ पर आकर कोई भी इसको ले जा सकता है, लेकिन जो लेने आएगा उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। ऐसा नहीं होगा, आप राशि जी पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन कर देते? मैं पुलिस में क्यों नहीं हैंड ओवर कर देते? आपने बात की? मैं पुलिस में भी इसको इतला दे दूंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको वहाँ पे जाके छोड़ दूं। कोई पता नहीं है बच्चा है, कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसा नहीं होगा, मेरा घर है। ऐसा कुछ नहीं राशि जी, आपने बड़ा अच्छा कर्तव्य निभाया। आपने आपके पापा की बात करें, उन्होंने कर्तव्य निभाया, क्योंकि आज के दौर में कोई भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, पर छोटी मासूम बच्ची है, कोई भी हमदर्दी दिखाएगा, पर ये जरूरी होता है, क्योंकि कल को कोई आपका पर एलिगेशन ना लगे, क्योंकि पुलिस को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन जब तक मेरे को वैसा लगेगा नहीं, तब तक मैं पुलिस को हैंड ओवर नहीं करूंगा बच्चे को। पूछते हैं बच्चे, तो जहां तक आपका बेटा नाम बोल रही थी, हो सकता है नियर बाई कोई नाम, क्या नाम है बेटा आपका? मलिहा। मम्मा का नाम क्या है? चाची। क्या नाम है मम्मा का? चाची। और पापा का? पापा। कहाँ पे रहते हो लाडू? गली बाहर। किसके साथ आए थे यहाँ पे आप? आप किसके साथ आए थे? मम्मा के साथ आए थे। मम्मा कहाँ गए? अभी मम्मा बोल रही है, पहले ये दादी जी बोल रही है, इसको ये खुद भी पजल हो रही है। बच्चा कंफ्यूज हो गया। बिस्किट खाए और कुछ खाना है? हम जनता से एक बार आप देख लीजिए, जो भी समय हमें देख रहे हैं, बच्ची पूरी तरह से, अभी छोटी बच्ची है, पूरी तरह से क्लियरली नाम भी नहीं बता रही। जो लोग भी इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये अपने माता पिता, अपने परिवार तक पहुंचे, क्योंकि छोटी बच्ची है, इसे भी पता भी नहीं किसकी, ये कभी कह रही दादी के साथ आई, कभी कह रही मम्मा के साथ आई। पर शुक्र है कि राशिद और इनके परिवार वालों के, इन्होंने देखा, नज़र पड़ी, क्योंकि सड़क पर लड़की पीर बाबे की बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। पर इस समय जो भी इस बच्ची को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि इसके घर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये इस बच्ची तक पहुँचे, क्योंकि जिस तरह से बताया राशिद ने। राशिद, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप अपना बुटीक का जो अपना यो एरिया का नंबर हो, अपना एरिया बता दीजिए। ये उस्ताद मोहल्ला है, जांबुलोचन के बिल्कुल अपोजिट। अगर आप जेल वाली तरफ से आएंगे तो राइट साइड पे पहली लेन लेके सीधा अंदर जाना है, लेडीज पॉइंट नाम की बुटीक है, वो हमारी बुटीक है, वहाँ पे आ सकते हो। घर भी हमारा नियर बाय है। उसके अलावा 700665597 मेरा नंबर है, नाम मेरा राशिद है। जो भी इसको लेने आएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आए, क्योंकि अगर बिना आइडेंटिफिकेशन के आएगा, कल को हमारे ऊपर भी सवाल हो सकते हैं, बच्चा है, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ का मैं देखूंगा ज़रूर। तो हो सकता है कि अगर जो बंदा लेने आए, तो उसको थाने तक भी जाना पड़े, क्योंकि ये कोई पड़ी हुई चीज़ तो है नहीं है, बच्चा है, इंसान है, तो
तफ्तीश तो करनी है, उसके बाद हम हैंड ओवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। धन्यवाद राशिद, आपने बड़ा ही अच्छा काम किया। दर्शकों, ये अभी हमने जो बच्ची बताई और राशिद जिसने अपना फोन नंबर एड्रेस बताया, जम्बू लोचन की गली में इनका कौन सी बताई हमने, जाम्बू बुटीक का नाम जी, लेडीज पॉइंट, लेडीज पॉइंट बुटीक है जो कि जाम्बू लोचन से जो साथ वाली गली अंदर उस्ताद मोहल्ला वाली साइड जाते हैं वहाँ पे पूरी लोकेशन हम आपको बता रहे हैं। और ये बच्ची यहाँ पर मिली है, ये कहा जा रहा है कि जिस बच्ची भी कह रही मम्मा के साथ आई, और जिस तरह से राशिद ने कहा कि इसने पीर बाबे की तरफ इशारा किया था, मे भी ये अपने माता पिता के साथ आई होगी या फिर वो अंदर माथा टेकने गई हो तो किसी वजह से बाहर निकल आई हो और ढूंढने में आगे पीछे निकल आई, नहीं उनको मिली हो। पर फिलहाल राशिद जिस तरह से बताया उन्होंने कि कहाँ पर आना है, किस तरह से, अपना फ़ोन नंबर भी दिया, हम कैप्शन में भी फ्लैश कर देंगे। और जो लोग भी इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर इसके कोई भी रिलेशन रिश्तेदार या बच्ची के जिन्होंने भी इनको पहचाना होगा, आप जरूर राशिद से कंसल्ट कीजिए और बच्ची को सुरक्षित अपने साथ लीजिए, और साथ ही साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन यानी अपनी ऑथेंटिकेशन जरूर लाइए कि आप इस बच्ची के माता पिता है या आप इसके रिश्तेदार हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्ची अपने घर वालों के पास पहुंचे, और राशिद से भी हमने ये कहा कि पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें क्योंकि पुलिस की इंटरवेन करना बहुत ही ज़रूरी है, कल को ये ना कोई ऐसी बात हो इनके ऊपर एलिगेशन हो, कि आज के दौर में संभल कर चलना भी बहुत ज़रूरी। फिलहाल हम कहेंगे ये छोटी मासूम बच्ची है यहाँ पर बैठी है, ये अभी जो आपने बताया कि आपको पीर बाबा के पास मिली थी राशिद, और इसके पापा ने इनको अपने पास रखा है, और जिन जो भी इसके माता पिता से हमें देख रहे, जो भी हमें देख रहे होंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये इसके परिजनों तक पहुंचे और छोटी बच्ची है उन तक सलामत पहुँचे। फिलहाल आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखी, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे आगे अच्छा भैया प्यार से इसको, काफी देर से बच्ची यहाँ बैठी हुई है, बिस्किट वगैरह खा रही थी, इन्होंने दो घंटे से ढूंढ रहे हैं, कहाँ थी कहाँ, हमें भी नहीं पता लगा, बस घर में मम्मा ने छोड़ा, हाँ। वहीं से निकल गई, बस घर कहाँ, ये इधर उस्ताद मंगल और बच्ची आ रहा है यार, हमें पता ही नहीं था, ये नहीं पता था भैया, शुक्र करो इन्होंने यहाँ पर कर लिया। आप वही परेशान होने का पता लगता वैसे, क्योंकि सड़क पे थी ये बच्ची, आपको पता है, तभी इन्होंने कहा कि जो भी समय देख रहे हैं, कोई बात नहीं, शुक्रिया, अच्छा अच्छा ये हमारी बच्ची है, ओके ओके बाय, चलो चलो बाय, चलिए शुक्रिया के बच्ची के पिता आए और ले गए, पर हम शुक्रिया करते हैं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने एक इंसानियत की मिसाल कायम की और बच्ची को आपने साथ लेके आया। फिलहाल आप उसके माता पिता वो मिल गया, क्या कह गया, बहुत अच्छा हुआ जा। आपने प्यार से घर पे चले ही आपने, चलिए शुक्रिया कि हमारे आते ही यहाँ पर जो ही हमने लाइव शुरू किया, लाइव ख़त्म होने वाला था पर उस बच्ची के पिता यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमारे भी यहाँ के काफ़ी व्यूवर्स रहते हैं, उस्ताद मोहल्ला की बात करें काफ़ी बार हमने यहाँ कवरेज भी की है। फिलहाल ये कहेंगे शुक्र है भगवान का, शुक्र है उस अल्लाह का कि बेटी अपने घर में सलामती से पहुँच गई, उसके पिता ने देखा और बच्ची को वो ले गए। जुड़े रही ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, जय हिंद जय भारत।